यहाँ के पुलिस कप्तान जो है जब से आए हैं तब से मुझे लगता है कि 100 हत्याएं हो चुकी हैं जिला में। बोला कि कुछ जनप्रतिनिधियों की लगातार जो है हत्या हो रही है, पिछले 2 वर्ष में जो जनता के द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनमें से किसी की हत्या नहीं हुई है, चाहे बारसोई में हो, बलिया में हो, बलरामपुर में हो, पुरानपुर में हो, कटिहार में हो, फलका में, सुरक्षित नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही है। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि कदवा में, सलमारी में, बारसोई में, तो ये कम्प्लीटली जो है भ्रामक है, तथ्यहीन है। जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेंगे, आम जनता का क्या होगा? 200 आर्म्स लाइसेंस जो है पेंडिंग है जनप्रतिनिधियों के, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभी लोगों को बॉडीगार्ड दिया जा रहा है जिसको बॉडीगार्ड देने की जरूरत नहीं है। दिग्भ्रमित करने वाले आंकड़े जो है मीडिया के सामने दिए हैं पुलिस से संबंधित, एकदम तथ्यहीन है, गलत है, भ्रामक है। सही डेटा जो है मैं उनके सामने रखना चाह रहा हूँ। बिहार सरकार निकम्मी है, यहाँ के पुलिस कप्तान जो है जब से आए हैं तब से मुझे लगता है कि 100 हत्याएं हो चुकी हैं जिला में, और लगातार जनप्रतिनिधि तीसरी पंचायती राज जनप्रतिनिधि, चाहे बारसोई में हो, बलिया में हो, बलरामपुर में हो, पुरानपुर में हो, कटिहार में हो, फलका में, सुरक्षित नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ये सरकार किसी कारण से भी जनता के योग्य नहीं है, जनता का पूर्ण विश्वास नहीं है, जनता की सुरक्षा नहीं है। जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेंगे आम जनता का क्या होगा? ये हम लोग समझ सकते हैं, काफी दुखी माहौल है क्योंकि नौजवान व्यक्ति थे और अच्छा खासा लोगों की मदद करते थे, ऐसे लोगों की हत्या कर देना ये प्रशासन के लिए शर्मनाक चीज। बिहार में सम्राट चौधरी उन्होंने लिखित आदेश किया था कि जितने जनप्रतिनिधि हैं बिहार में वो लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, डीएम उनको लाइसेंस देंगे आर्म्स लेकर, और आर्म्स का लाइसेंस मुझे लगता है कटिहार जिले में 200 आर्म्स लाइसेंस जो है पेंडिंग है जनप्रतिनिधियों के, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे लोगों को बॉडीगार्ड दिया जा रहा है जिसको बॉडीगार्ड देने की जरूरत नहीं है। ये मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, ऐसे बॉडीगार्ड जो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं उनको दीजिए, आपने जो सुरक्षित है उनको देने का काम नहीं करें, जिनका लाइसेंस पेंडिंग है उनको लाइसेंस देने का काम करें। कटिहार जिला के एक माननीय द्वारा कुछ दिग्भ्रमित करने वाले आंकड़े जो है मीडिया के सामने दिए हैं पुलिस से संबंधित, जो कि एकदम तथ्यहीन है, गलत है, भ्रामक है, क्योंकि जनता ही जो है सब कुछ है। तो मैं पूरे लोगों के सामने जो है सही डेटा जो है मैं उनके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो हत्या की जो केसेस हैं तो 2022 और 23 ये पिछले 2 साल में जो हत्या के पहले से जो केस दर्ज हैं 2019 में 82 हैं, 2020 में 90 हैं, 2021 में 78 है, और 2022 में 66 है, 2023 में 63 है। तो ये जो हत्या की जो केसेस हैं 2019 पिछले 5 साल का अगर 4 साल का आंकड़ा देखा जाए तो ये पूरा जो है डिक्लाइन पर है। और दूसरी बात, जो पिछला 2 साल का उन्होंने जिक्र किया है वो पता नहीं कहाँ से वो आंकड़ा लेकर के आए हैं, आप देख सकते हैं कि 15 से 18% जो है ये डिक्रीज हुआ है 2022 और 2023 में। तो ये तो पूरी पूरी जो है वो भ्रामक खबर है। उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि कुछ जनप्रतिनिधियों की लगातार जो है हत्या हो रही है, तो इस पर भी मैं क्लैरिफाई कर दूं हमारी कटिहार की जनता को कि पिछले 2 वर्ष में जो जनता के द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनमें से किसी की हत्या नहीं हुई है, उनके संबंधियों की हत्या हुई है। लगभग 1 साल पहले एक घटना जो है हुई थी, बलिया बेलौन थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें एक मुखिया पति की हत्या की गई थी। तो उसमें जो शातिर जो अपराधी था जो पिछले 4 वर्षों से फरार था और उस पर 50,000 का इनाम भी था, मौलवी, उसको हम लोगों ने बहुत मेहनत से उसको जो है हम लोगों ने पकड़ा, उसकी गिरफ्तारी की। और ये जो है जो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि कदवा में, सलमारी में, बारसोई में, तो ये कम्प्लीटली जो है भ्रामक है, तथ्यहीन है। एक बलिया बेलौन में हुई थी 1 साल पहले, और ये एक घटना हुई है, ये प्रमुख के पति थे, और इनमें भी जो है हम लोग जो मुख्य आरोपी हैं उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी जो है 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा मतलब 6:30 लगभग घटना हुई है, आज मैं 5 बजे आपको बता रहा हूँ कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या का जो कारण होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है,
इसमें जितनी भी घटनाएं हुई हैं हत्या की, उसमें सारे केसेस हमारे डिटेक्टेड हैं, 100% डिटेक्शन है और कोई भी प्रोफेशनल किलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपस का विवाद है, पुराना कोई झगड़ा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, उसी के कारण जो है ये हत्या हुई है। हाँ, तो इसमें मैं बता दूं कि जो भी डेटा जो पेश किया जा रहा है वो एकदम ही जो है बायस्ड है, पूर्वाग्रह से ग्रसित जो है वो डेटा है। और आप लोगों को पता होगा कि पूरे ज़िले में मैंने जितने भी SHO की पोस्टिंग की है वो टेस्ट लेकर के की है, और जो जो टेस्ट में जिनका जिनका अच्छा मार्क्स आया है उन्हीं के हम लोगों ने थानों में पोस्टिंग की है। तो जिनका परफॉर्मेंस रहता है उन्हीं को दे, पहले तो उनका डेटा ही गलत है, तो उनका बेसिस ही जो है वो गलत है। ये दिग्भ्रमित करना है।